Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the लीवर एंड सिंपल मशीन, उत्तोलक और सरल मशीन। आपको मैं बता देना चाहूंगा, ये लीवर एंड सिंपल मशीन जो है आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है आपको CBT 2 का स्टेज पार्ट ए में जो है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का मैं टॉपिक करा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का करा चुका हूँ, और अब मैं कराने वाला हूँ आपको लीवर एंड सिंपल मशीन। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। और उसके बाद अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू योर गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं जी, जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो अगर बात की जाए रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट में आपको भी पता है कि हमारे, मैं रिजल्ट के बारे में कोई भी वीडियो इसलिए नहीं डाला हूँ क्योंकि अभी भी कुछ गुंजाइश है। मैं थोड़ी सी कंफर्मेशन श्योर तो नहीं है, कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चांसेज है कि जो सिग्नल एंड टेलीकॉम के कुछ सीट है उसको बढ़ाई जाएंगी क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तो जिसका रिजल्ट आ चुका है, प्लीज आप लोग मन लगा के पढ़िए, सीट डेली लगाइए, दो दो लगाइए जी, दो दो सीट लगाइए, क्योंकि आपको स्टेज फर्स्ट में जो है पार्ट बी को भी आप सिंपल मत लीजिएगा, आसान मत लीजिएगा, क्योंकि वो भी क्या कर सकता है, आपको लटका सकता है जी। इसलिए मैं बोलता हूँ एकदम सीरियसली ट्राई कीजिए। आपको भी पता है कि कटअप क्या है था जी, सभी लोग बोल रहे थे 30 नंबर जाएगा, 20 नंबर जाएगा, ऐसे ऐसे भी बातें बोल रहे थे लोग हैं। कटअप जाने के लिए देखिए सिग्नल टेलीकॉम का 70 नंबर गया जी। 70 नंबर का मतलब होता है कि किसी ने 48 नंबर स्कोर किया होगा, उसका 70 नंबर हुआ। तो हम ज्यादा इस पर डिस्कस समझ सकते हैं कि कटअप होने वाला है। तो उस लेवल तक अब जो आपको रिजल्ट आएगा CBT 2 में, वो अब कटअप क्या होगा, हाई होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और जम के मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाइए। मैं बता रहा हूँ कि ये वार्निंग था आपके लिए, जो भी बच्चे फेल हुए हैं इसके समझिए कि जो पास हुए उनके लिए ये वार्निंग था। आप समझ सकते हैं कि अगला जो लेवल होगा कितना लेवल तक जा सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सिंपल। हमें थोड़ा कमेंट भी आया था कि सिंपल मशीन का अवसर वीडियो बनाए, तो चलिए हम सिंपल मशीन का भी वीडियो बनाते हैं। तो देखिए एक्चुअली बात यह है कि थोड़ा सिंपल मशीन जो है इससे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है जी, आ सकता है। इसलिए हम और मैं भी देखा हूं कि आपको YouTube पे इसके वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। चलिए बोल रहा है उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जी। क्या है जी, हम अभी लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तोलक क्या है, एक प्रकार की मशीन है जो कार्य को आसान कर देती है। क्या करती है जी, आसान कर देती है। इसकी सहायता से उचित बिंदु पर बल लगाकर किसी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। बोला कि उत्तोलक लीवर क्या होता है जी, आपने लीवर देखा होगा जी। आपको पता है कि जो ट्रक वगैरह होता है, जो गाड़ी वगैरह होता है, फोर व्हीलर, उसको उठाने के लिए हम लोग लीवर का यूज करते हैं जी। हम लोग क्या यूज करते हैं, जग भी बोलता है लोग कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया में। तो क्या है, उसके लीवर को हम लोग क्या करते हैं, घुमा कर क्या करते हैं, उठाते हैं जी। तो हम लोग कब फोर्स लगाते हैं लेकिन फिर भी उतना बड़ी गाड़ी क्या होती है, उठ जाती है। तो ये क्या है, वो लीवर है जी। तो वही बोल रहा है कि एक मशीन होती है जो हमारे कार्य को आसान कर देती है। हमारे कार्य को क्या करती है, आसान करती है। इसकी सहायता से उचित बिंदु पर बल लगाकर, इसकी सहायता से हम लोग क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बल लगा के क्या करते हैं, आसानी से किसी कार्य को किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं जी, लीवर कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। इसकी दक्षता कितनी होती है जी, तो 100% से कम होती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। देखिए बात की जाए तो उत्तोलक में 3 बिंदु होते जी, एक मिड पॉइंट होता है, दो क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। तो इसमें बता रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 3 पॉइंट दिखा रखा है। एक क्या है जी, आपको ये लोड पॉइंट है, एक क्या है जी फलक्रम पॉइंट है, एक क्या है जी एफर्ट पॉइंट है। ये आलम बिंदु है, भार बिंदु है, क्या है आयास या प्रयास बिंदु है। ठीक है जी, ठीक है, यहां से हम समझ सकते हैं कि 3 पॉइंट है। तो कहीं भी जैसे अगर आपको अगर लीवर के बारे में समझना है तो आप लीवर के बारे में समझ सकते हैं जी। एग्जाम्पल में क्या है, पिलास है, सरसी है, जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है, जो तंबाकू काटने वाली मशीन होती है, आपको सुपारी काटने वाली मशीन होती है, वो सब क्या है जी, लीवर के एग्जाम्पल्स है। तो उसी से समझ सकते हैं अलग अलग टाइप के क्या है जी, लीवर है। अगर बात कीजिए चापाकल को आप चलाते हैं, वो भी क्या है जी, उसका हैंडल क्या है, एक लीवर की तरह काम ही तो करता है, वो भी क्या करता है, वो काम आसान कर देता है। तो अलग अलग क्या है जी, बस उसके टाइप चेंज हो रहा है। तो हमको उसी के हिसाब से क्या करना है जी, आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आयास और प्रयास बिंदु, किसी बिंदु
जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है उसे आयास बिंदु कहते हैं। देखिए अभी यहाँ पे बल लगाया गया था जी, ये मेरा क्या था, एफर्ट पॉइंट था। क्या था जी? मेरा एफर्ट पॉइंट था ये। तो यहाँ पे बल लगाया गया था, इसको क्या बोलेंगे? तो आयास बिंदु या प्रयास बिंदु बोलेंगे जी। बोल रहा है अगला, बोल रहा है जी आलम बिंदु। आलम बिंदु क्या है जी? वह बिंदु जहाँ पे पेच लगा होता है। बोल रहा है कि आलम बिंदु कौन सा है जी? जहाँ पे पेच लगा रहता है। ये देखिए ये आलम बिंदु क्या है जी? इसमें बोल रहा है कि पेच का मतलब क्या है जी? यहाँ पे फिक्स होगा। क्या होगा जी? यहाँ पे फिक्स होगा, यानी कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा। ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ा इसको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी थ्री पार्ट कर दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद बोला है भार बिंदु। क्या जी? भार बिंदु वह बिंदु जहाँ वस्तु होती है उसे भार बिंदु बोला है। ये देखिए जिस वस्तु क्या है जी, इसको हमको उठाना है। जैसे यहाँ पे हम क्या है जी, ये बोल रहा है कि यहाँ फिक्स पॉइंट है, पेच कर दिया गया। यहाँ पे हम फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे जी? फोर्स लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो क्या होगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, रेज होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इसी को रेज करने के लिए क्या है, लीवर का यूज किए हैं। और सिंपल मशीन का भी कर सकते हैं, जैसे पुली वगैरह का भी कर सकते हैं। तो वहीं बोला हम अभी लीवर का बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फोर्स लगा, ये क्या जी यहाँ पे फिक्स था, इसका सपोर्ट था यहाँ पे, तो क्या वस्तु ऊपर राइज हो जाएगा, तो ये राइज हो जाएगा। वहीं बोला भार बिंदु कौन सा? वो बिंदु जहाँ पे वस्तु होती है, जहाँ पे हमारा भार उठाने वाला होता है, जो हमारा कार्य करने वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट है। ठीक है ना जी। तो हम यहाँ से जो भी काम हो उसको कंप्लीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? भार बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कौन कौन सा पॉइंट है जी, भार बिंदु, आलम बिंदु और आयास और प्रयास बिंदु। हमने तीन पॉइंट समझाया जी। चलिए उत्तोलक की बात करते हैं। तो उत्तोलक के कितने पॉइंट होते हैं जी? तो उत्तोलक के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। देखिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब प्रथम श्रेणी उत्तोलक किसको बोला जाता है, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक किसको बोला जाता है? तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है जी। ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये भी जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय पढ़ना है, ये फालतू की बातें हैं। क्या है जी? फालतू की बातें। इसको अगर समझना है तो एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं हमारी तरफ से। लीजिए जी, देखिए हमने एक बना रखा है जी। देखिए हमने क्या है जी, हमने ये बनाया है, ऐसे मैंने एक ड्रॉ किया है डायग्राम। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पॉइंट है जी, इसमें तीन पॉइंट है। कितने पॉइंट है हमारे पास? तीन पॉइंट है जी। देख सकते हैं कितने पॉइंट है जी हमारे पास? तीन पॉइंट है हमारे पास। जैसे चापाकल का जो हैंडल होता है कैसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना जी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट जो है, बोल रहा है कि अगर ये पॉइंट जो होगा क्या होगा, फर्स्ट लीवर होगा, ये क्या होगा, सेकंड लीवर होगा, ये मेरा थर्ड लीवर होगा। देखिए ये बोल रहा है कि फर्स्ट लीवर होगा, सेकंड लीवर होगा, थर्ड लीवर होगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब लोग हम लोग पहला पढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है, पहला में क्या बोल रहा है जी, पहले लीवर में क्या बोल रहा है जी, देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बोल रहा है, इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में होता है। देखिए ये हम समझते हैं, बोला है कि प्रथम श्रेणी में आलम बिंदु क्या होता है जी, बीच में होता है। आलम का मतलब क्या हुआ, जिसपे हमको पेंच किया गया, हमको इस पे पिंच किया गया जी। आलम बिंदु क्या होता है, बीच में होता है। इसके बाद कोई कहीं भी रह सकता है, इसका मतलब हुआ कि उसके बाद जो भार है और इफर्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, दोनों में से कहीं भी ये क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो देखो इसमें बोल रहा है कैंची है, पिलास है, सरसी है, तराजू है, नेलकटर है, साइकिल है, क्या ब्रेक है। देखो अगर कैंची की बात किया जाए तो कैंची कैसा रहता है जी, ऐसा रहता है कैची, ऐसा मान लीजिए पकड़ा गया है तो कैची यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिंच किया गया है और यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं जी, इस दोनों को क्या करते हैं, पास में लाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी होता है हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है कट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा जो बीच वाला पॉइंट था क्या था जी, बीच वाला पॉइंट पे क्या था जी, पिंच था। बीच वाला पॉइंट पे क्या था जी, पिंच था। तो हमने जो डायग्राम बनाया इसमें क्या किया है, देखो तीन पॉइंट बनाया, एक दो तीन, तो बीच वाला पॉइंट पे क्या है जी, फिक्स है। बीच वाला फिक्स है तो कौन सा आएगा, प्रथम श्रेणी के लीवर आ गया। कितना सिंपल है, हम इसको याद करेंगे जैसा डेफिनेशन लिखा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी और समझते रह जाएंगे। अब देखिए कोई भी एग्जांपल है, जैसे हमको देखेंगे क्या जी, तराजू है, तो तराजू में देखेंगे कि क्या पिंच कहाँ होता है, तो बीच में होता है, तो हाँ तो पिंच कहाँ होता है, तराजू में, बीच में होता है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट श्रेणी का। सरसी कैसा होता है जी, सरसी आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है जी, मैं सरसी बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन कुछ आप समझ जाइए कि यहाँ पे उसके दांते होते हैं, ऐसा होता है, इसको जब हम यहाँ से दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ फिक्स होता है, इसमें क्या होता है जी, उसको प्रेस करता है, तो ये सरसी है। तो सरसी समझ सकते हैं, पिंच कहाँ है जी, तो इस पे सरसी है, तो जब बीच में फिक्स है तो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट लीवर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। हम लोग कितना आसान से समझ सकते हैं, फर्स्ट अगर फिक्स यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, क्या है जी, सेकंड। बल्ज के चपाकल का जो हैंडल होता है वो भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे फिक्स होता है जी, यहाँ पे फ्री होता है, यहाँ पे फ्री होता है। वैसे ही साइकिल का ब्रेक है, नेल कटर है, तराजू है, ये सब समझ सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हमने लीवर कंप्लीट किया कहाँ जी, बीच में होगा, क्या होगा, हिंज पॉइंट जो होगा क्या होगा, बीच में होगा, क्या होगा जी, जो आलम बिंदु होगा, फलक्रम बिंदु होगा कहाँ होगा, बीच में होगा।
इस डायग्राम को याद रखिएगा, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। पूछा जाता है एग्जाम क्वेश्चन में कि कौन सा फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। सेकंड श्रेणी का उत्तोलक में क्या होगा जी, यहां पे फिक्स रहेगा। जैसे जो हम तंबाकू काटते हैं ऐसे काटते हैं जी, ऐसे ऐसे तंबाकू काटते हैं, यहाँ पे फिक्स रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 काटते रहते हैं, तो कहाँ फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है। या सुपारी ऐसे ऐसे काटते रहते हैं, तो क्या है जी, यहाँ पे फिक्स है। इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पे फिक्स है तो कौन सा होगा, सेकंड श्रेणी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी, सेकंड सीरीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में आप समझ सकते हैं लोग। तो चलिए द्वितीय श्रेणी में बात कर रहे हैं, इसमें भार बिंदु के बीच में होता है। बोला है कि भार बिंदु कहाँ होता है जी, बीच में होता है। चलिए भार बिंदु कहाँ होता है जी, बीच में होता है। अब देखिए जब हम सुपारी काट रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है जी, यहाँ पे हमारा भार बिंदु है, यहाँ पे जो सुपारी वहीं तो कट रहा है ना, लेकिन हम एफर्ट तो कहाँ लगा रहे हैं जी, हम एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं। देखिए हम एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन जो सुपारी है यहाँ पे कट रहा है। और फिक्स पॉइंट कौन सा है जी, फिक्स पॉइंट ए वाला है। देखिए फिक्स पॉइंट कहाँ है जी, तो किनारे पे जो है, फिक्स पॉइंट कहाँ होगा, किनारे पे होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड श्रेणी का लीवर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड श्रेणी में यहाँ पे फिक्स होता है जी, ठीक है। और यहाँ पे जो सुपारी होता है काटते हैं, देखिए तो इसमें बोल रहा है इसमें भार बिंदु बीच में होता है और बाकी दो कहीं भी हो सकता है। सरायता नींबू निचोड़ने में क्या होता है जी, नींबू निचोड़ने में क्या होता है, आपको किनारे वाला पॉइंट यहाँ जुड़ा होता है और यहाँ पे नींबू निचोड़ने के लिए एक गहरा सा क्या होता है, होल होता है, उसमें हम नींबू रख के निचोड़ते हैं। एक पहिया कूड़ा गाड़ी, अच्छा एक पहिया कूड़ा गाड़ी है जी, खैनी या वहीं तो सुपारी काटने वाला क्या है, सरायता बोला जाता है उसको, ठीक है जी। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि हम लोग सेकंड लीवर पढ़ लिए जी, कितना आसान है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या बोला है जी, इसमें प्रयास बिंदु बीच में होता है। क्या होता है जी, प्रयास बिंदु बीच में होता है, बाद बाकी कोई कहीं भी हो। देखिए बोला है जैसे मनुष्य का हाथ, चिमटा, ठीक है जी। चिमटा देखिए कैसा होता है, इसमें बोल रहा है कि प्रयास बिंदु कहाँ होता है। देखिए ये चिमटा आप लोग जब खाना पकाते हैं तो ऐसा चिमटा यूज करते हैं जी। बचपन में एक स्टोरी हम लोग पढ़ते थे कि एक माँ थी जिसको धुआं लगता है, तो उसका बेटा जाता है, तो क्या होता है, मार्केट से चिमटा लेकर आता है। तो इसी प्रकार का वो चिमटा लेकर आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से रोटी पकड़ना है जी, यहाँ से रोटी पकड़ना है हमको। यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं, बीच में प्रेस करते हैं। और फिक्स कहाँ है जी, यहाँ पे फिक्स है। तो फिक्स कहाँ हुआ, तो यहाँ फिक्स कहाँ हुआ जी, देखिए फिक्स इस वाले डायग्राम से देखिएगा, तो यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे जब फिक्स है तो ये किसने, थर्ड श्रेणी का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थर्ड सीरीज का हो जाएगा जी। तृतीय श्रेणी का क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। देखिए समझना कितना आसान है, समझे कितना आसान है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे कहाँ लगाया जी, फिक्स कहाँ है, यहाँ पे ही है, फिक्स कहाँ है, यहीं पे है। तो फिक्स हमारा कहाँ हो जा रहा है जी, हमारा यहीं पे हो जा रहा है। देखिए अब इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर इतना भी नहीं याद आ रहा है तो देखिए क्या है, 213 कोड याद रखिए, 213 हो गया, 213 याद रखिए कोड हो गया, कितना आसान है। तो चलिए हमने ये आज सीखा कि हम लीवर के टाइप, हम प्रथम श्रेणी सेकंड श्रेणी के लीवर को हम छांट सकते हैं जी। एग्जांपल हमको दिया रहेगा, पूछेगा बस ये कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, इतना तो सबको ये आपने पढ़ा भी होगा इल्यूशन वगैरह में, लेकिन लॉजिकल नहीं पढ़ा हुआ, वहां पे बस अपने रट लिया होगा जी। अब बढ़ते हैं उत्तोलक का सिद्धांत। तो उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। इसमें बोल रहा है FLE तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी बीच में, ठीक है जी। जो भी ये ट्रिक हमको नहीं पता चला ये क्या है, हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरा ही तरीका समझिए, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी थ्योरी होगा मैं कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करूंगा, ये आपको कंफर्म है, मैं इससे ज्यादा ही बता दूंगा, कम नहीं बताऊंगा। चलिए आगे है उत्तोलक के सिद्धांत। उत्तोलक लीवर का सिद्धांत क्या है जी, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे जी, एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, फलक्रम है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, ये क्या होगा, लोड क्या होगा, उसके बाद रेज कर लेंगे जब उसको, यहाँ से एफर्ट लगाएंगे उसको रेज कर लेंगे। तो बोल रहा है देखिए भार है, ये भार है, यहाँ पे जो भी होगा भार होगा, इसको कितना डिस्टेंस है जी, तो FL भुजा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है जी, फिक्स पॉइंट से क्या आ जाए, इस पॉइंट के इस एक्सिस के अबाउट क्या रहे, रोटेट कर रहा है ना, ये मेरा एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, तो FL डिस्टेंस है, तो FL को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर क्या हो जाए, आयास गुने अभाज भुजा, क्या हुआ जी, आयास गुने आयास भुजा, क्या है, बोल रहा है कि ये क्या है मेरा, इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, लीवर का ये मेरा सिद्धांत है जी। अब देखिए यहाँ पे है, बोल रहा है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या हुआ जी, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज इसको बोलते हैं, यांत्रिक लाभ को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज हम सभी चीजों में पढ़ेंगे, लीवर में भी पढ़ेंगे, आपको पुली में भी पढ़ेंगे, वेज में भी पढ़ेंगे, रिजिड वेज में पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तो मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ क्या होता है,
तो भार अपॉन आयास यानी लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है जी, लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है मैकेनिकल वेव, ये जनरल फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा ठीक है ना। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है जी, तो बोल रहा है कि भार क्या है जी यहाँ पे, भार क्या है जी यहाँ पे, तो ये भी जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा। अब बोल रहा है आयास भुजा अपॉन भार भुजा, अब है ये तो भार के टर्म में था, फोर्स के टर्म में, अगर डिस्टेंस के टर्म में देखना होगा तो क्या होगा जी, डिस्टेंस के टर्म में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आयास भुजा अपॉन भार भुजा ठीक है। यहां से हमारा यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला आया जी ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं नोट। बोला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है जी, या एक से बड़ा होता है, या एक के बराबर हो सकता है। देखिए प्रथम श्रेणी का हम लोग उतना समझने की कोशिश नहीं, ये देखिए मेरा क्या है जी, प्रथम श्रेणी यहाँ पे क्या होगा जी, फिक्स होगा, तो अब यहाँ पे फिक्स होगा, तो अब देखिए यहाँ पे फिक्स है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फिक्स है जी पॉइंट, तो ये पॉइंट अगर छोटा है, ये पॉइंट अगर बड़ा है, मान लेते हैं ये पॉइंट बहुत बड़ा है ठीक है जी, तो हम यहाँ से छोटा भी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ बहुत ज्यादा वजन क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। अगर मान लीजिए ये क्या है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा केस है कि ये ज्यादा लंबा है, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ छोटा हैंडल, तो इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होगा तो यहाँ पे उठेगा, तो क्या होगा यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, एक से ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। अगर दोनों बराबर रहेगा डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वही बात बोल रहा है ठीक है ना। तो हम इसको फील कर सकते हैं जी, हमने जो ट्रिक दिया है ना आप उससे सब कुछ फील कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है जी। चलिए अब द्वितीय श्रेणी क्या है जी, हमारा द्वितीय श्रेणी है ये, यहाँ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फिक्स है, हमने यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हमको क्या काटना होगा जी, सुपारी काटना होगा, तो हम ऐसे प्रेस करेंगे, तो ऐसे प्रेस करेंगे तो बताइए अगर सुपारी को ऐसे काट अगर ऐसे काटे तो क्या कटेगा, हमसे नहीं कटेगा, लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, उसकी क्षमता क्या हो रही, बढ़ जा रही है। तो वही बोला कि द्वितीय श्रेणी से क्या होता है जी, उत्तोलक के यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। चलिए जी तृतीय श्रेणी में क्या है जी, फिक्स यहाँ पे रहेगा, तृतीय श्रेणी में यहाँ फिक्स रहेगा। चलिए जी इसका मतलब है कि देखिए अब ये रोटी जैसे हम बोले कौन से जी, रोटी पकाने के लिए एक चिमटा है, हम लोग क्या करते हैं इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे रोटी क्या होती है, रोटी इसमें पकड़ा जाता है ऐसे प्रेस करने पे। तो देखिए यहाँ पे हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, रोटी पकड़ना कोई बड़ी ज्यादा फोर्स की काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं लेकिन कम काम हो रहा है ठीक है ना जी। और आराम से रोटी जो है मुलायम से पकड़ना, ऐसा भी नहीं कि हार्ड पकड़ लिया जाए तो रोटी में अगर छेद हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी ना, तो रोटी में छेद भी नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होना है कम फोर्स लगना चाहिए ना। तो हम यहाँ ज्यादा फोर्स लगाए लेकिन यहाँ पे कम फोर्स लगना चाहिए, तो क्या हो जाएगा क्षमता क्या हो गया, लो हो गया ना जी, रोटी फटना नहीं चाहिए, अगर उसमें छेद हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो ये मेरा क्या है जी क्षमता वन से कम है इसका मतलब। तो यही बोल रहा है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के यांत्रिक लाभ एक से क्या है जी छोटा है। देखिए यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो कंसेप्ट समझना है आपको, और आपको क्या हो जाएगा एग्जाम में रिजल्ट दिल जाएगा, यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं और उसी से आपको मार्क्स बनाने हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ कपल्स। देखिए अभी मैं थोड़ा सा बेस पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए मैकेनिकल पार्ट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैकेनिकल ऐसे ही आपको क्या है टफ सब्जेक्ट है। एक मैं बात बता दूं, एक तो मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत टफ सब्जेक्ट है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना नहीं है कि टफ है, हमको जो पढ़ना है ना टफ वाले पार्ट नहीं पढ़ना, हमको आसान वाले पार्ट पढ़ना है, लेकिन एक तो कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि फोर्स किसको कहते हैं, जो उसके बाद ही ना फोर्स से हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे बनाएंगे। तो एक बार हम थ्योरी सब पढ़ लेते हैं, टाइम लग रहा होगा मैं समझ रहा हूँ, धीरे भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि मैं धीरे जा रहा हूँ तो आप फास्ट कर लेंगे, फास्ट करके पढ़ लेंगे प्लेयर को, या आप वीडियो यूट्यूब पे वीडियो फास्ट हो जाते हैं आपको पता भी है, तो और इन सब का फायदा लीजिए जी, अगर नहीं लेते हैं आपके पास मोबाइल है आप सबका फायदा नहीं लेते तो भी दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ कपल्स बल युग। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इस बुक का सर पीडीएफ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, ये जो आपको बुक है हर जगह मिल रहा है, अमेजन पे मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है जी, ये आपको प्लेटफॉर्म की बुक है, प्लेटफॉर्म की बुक है, इसमें कुछ गलतियां हैं तो मैं उसको क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ जी। और एक बच्चे ने कमेंट किया था जी कि मैं स्पीड एंड वेलोसिटी का ये पूरा इतना मोटा बुक है, नहीं जी स्पीड एंड वेलोसिटी का वो मैं जो आइकन लगाया हूँ, थंबनेल जो लगाया हूँ, आपसे पता चल रहा होगा कि केवल स्पीड एंड वेलोसिटी की इतनी मोटी बुक है, वो मैंने थंबनेल लगा रखा है जी स्पीड एंड वेलोसिटी, ये पूरी बुक है ठीक है ना, उसमें एक स्पीड एंड वेलोसिटी की आज एक चैप्टर है, इसलिए घबराया नहीं कि इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है। और बच्चों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, देखिए मैं कमेंट आपका रिप्लाई तो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देखिए मेरे पास भी टाइम नहीं है ठीक है। तो चलिए लेकिन
मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, तो इसलिए रिप्लाई मैं जरूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा कि आप कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम हो। जैसे एक बच्चे ने प्रॉब्लम किया था कि सर सिंपल मशीन और लीवर के आपको वीडियो वेबसाइट पे नहीं मिले हैं, यूट्यूब पे नहीं मिले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी को पहले बना देता हूँ और वर्क एंड टाइम का जो कुछ वीडियो बाकी है मैं उसको बाद में बना लूंगा। इसका मतलब है कि कहीं वर्क एंड एनर्जी के कुछ वीडियो को बहुत सारी साइट पर मिल रहे होंगे, मेरे साइट पर नहीं मिल रहे होंगे, मैंने यूट्यूब पे नहीं मिला, इसलिए मैं बनाना प्रीफर किया जी। तो चलिए, अभी तक वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी फैलाएं, क्योंकि मेरा चैनल तो बहुत, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा चैनल बहुत फास्ट स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आपने सबने मेरा इतना सहयोग किया है जी। आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ कपल्स पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक जब एक ही रेखा पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं जी। बोल रहा है कि एक ही रेखा पर दो समान परिणाम के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। बोला है, ठीक है जी, एक बल रेखा है, एक क्या है इधर लग रहा है, एक क्या लग रहा है इधर लग रहा है, एक ही क्या है जी, दो समान परिणाम है, विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वस्तु अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करने का प्रयास करती है। तो बोला है कि एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है जी, ये घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे किधर है, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स ऐसे लगा, यहाँ फिक्स है, तो ये कैसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो इस प्रयास करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसे बल युग्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। तो बल युग्म बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने बल बाहु, यानी बल जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहा है और यहाँ से यहाँ कितना दूरी है जी, बल बाहु बोलेंगे इसको, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि बल युग्म का अगर मात्रक बताएं, तो आपको मैं बता चुका हूं कि मात्रक तो मैंने इतने डिटेल में पढ़ाए हैं, आप तो इसका बल युग्म का देखिए, इसका आप जानते हैं, मैंने कहा था कि सारे के फॉर्मूला लिखिए जी, बनाइए, तो मैं फिर से उसको रिवीजन कर रहा हूँ। इसका मतलब देखिए, हम लोग हर एक क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ रिवीजन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि हमने लॉजिक बताया है और लॉजिक से हमको पढ़ना है जी। बल युग्म सी बराबर क्या है, एफ गुना आर, आर माने भुजा है, ये क्या है जी, बल है। तो अब देखिए बल का क्या होता है फॉर्मूला, एम ए गुना आर। अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है, तो बल का क्या होता है जी, बल का क्या होता है केजी, मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर है डिस्टेंस का क्या होता है जी मीटर, तो हमने यहां से निकाल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, आ गया जी यूनिट आ गया, क्या है जी इसका एसआई मात्रक। अच्छा, इसने एमकेएस में निकाला है, इसने एसआई यूनिट निकाला है, तो देखो जी एफ फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, इसके लिए क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर, यहाँ से भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अब ऑप्शन क्या रहेगा हमको उसके अकॉर्डिंग लाना है जी, इसीलिए अगर आप लॉजिकल पढ़े रहेंगे तो आप ऑप्शन को टिक मार पाएंगे जी, ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे, अगर नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए लॉजिक बिल्डअप कीजिए, क्या पता है ऑप्शन ये रहे या ये रहे, आप तो अगर रट लीजिएगा तो यही मारिएगा, ये आएगा तो नहीं मारिएगा, इसका मतलब तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखिए जी, अब इसका हमको बीमा लिखना है, तो बीमा लिखना है, देखिए मास के लिए क्या होता है जी एम होता है, बीमा क्या होता है एम होता है, ठीक है, मीटर के लिए क्या होता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या होता है तो टी होता है माइनस टी, तो एम एल टू टी माइनस, देखिए आ गया ना कितना आसान है। तो इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन भी आप जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहां पे जाइएगा, सारे आपको यूनिट एंड डायमेंशन के आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे जी, मैंने सबके लिए अलग अलग बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। चलिए, वाहन का स्टीयरिंग घुमाना, पानी का नल खोलना, दावत का ढक्कन खोलना इत्यादि, ये सब क्या है जी, ये सब बल युग्म के क्या है जी एग्जाम्पल। सब देखिए, अब आप नल ऐसे घुमा रहे हो तो क्या है जी, यहाँ पे नल घुमा रहे हो तो देखो जी नल घूम रहा है, अब देखिए जी अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ इसका मतलब क्या है जी, इसको मैं घुमा रहा हूँ क्या है, तो इसको घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अगर देखिए इसी इस पे क्या है जी फिक्स है मान लीजिए, तो ऐसे घूमेगा इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स किधर लग रहा है इधर लग रहा है, एक फोर्स क्या हो रहा है उधर लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है ऐसे रोटेट हो रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या रोटेट हो रहा है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जी, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल के मतलब ज़्यादा उतना फैसिलिटी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में, लेकिन आप विजुलाइज कर लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये फिक्स है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ, अगर यहाँ से भी एक फोर्स दिया जाएगा इधर की तरफ इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा इसे रोटेट होगा, तो क्या हो जाएगा ये बल युग्म हो जाएगा। तो वही बोल रहा है वाहन के स्टीयरिंग में क्या होता है जी, ऐसे देखिए स्टीयरिंग में क्या ऐसे घुमाया जाता है, क्या है एक्सिस फिक्स रहता है ऐसे घुमाया जाता है। वही बोल रहा है नल को ऐसे घुमाइएगा, नल को ऐसे घुमाएगा क्या है जी, इधर से ये फोर्स लगा रहा है इधर से ये फोर्स लगा रहा है नल में, तो ये क्या है बल युग्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास। देखिए सेंटर ऑफ मास का भी थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ना है बस हमें, ज्यादा नहीं कुछ। बोल रहा है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास को समझना है, तो देखिए वो बिंदु जहां पे कोई वस्तु संतुलन अवस्था में रहती है,
द्रव्यमान केंद्र कहलाता है जी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है जी, प्लेट है, प्लेट है पूरा सर्कुलर, तो इसका अगर मान लीजिए हमको माना है कि इसका मास कहाँ है, तो मान लेते हैं कि इसका सारा का सारा मास कहाँ है जी, सेंटर पे है, और उससे हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए पूरा मास इधर उधर पूरा मानते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इंटीग्रेशन चाहिए, डिफ्रेंशिएशन चाहिए, वो हायर लेवल का आपको चल जाएगा। आपको एमटेक और बीटेक वाले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, या जो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी करते हैं वो सब करते हैं, तो हमको उतना लेवल का नहीं पड़ना। अब देखिए एक मान लीजिए रेक्टेंगल प्लेट है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है जी, यहाँ पे सेंटर होगा, तो यहाँ पे क्या मानते हैं इसका पूरा का पूरा मास यहीं पे है, उसके अनुसार कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए एक रड़ ऐसे, इसका हमको मास मानना होगा, तो इसके जो डायमीटर है उसके सेंटर में, इसका डायमीटर जो उसके सेंटर में मान लेते हैं कि यहाँ पे मास है, जबकि मास तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन हमको मास यहीं मान के कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाता है हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए एक रड है, इसके लिए क्या मानेंगे यहाँ पे है, तो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र के वस्तु के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। देखिए अभी केंद्र के अंदर था, इसमें भी अंदर था, इसी क्या बाहर हो गया, इसमें क्या था अंदर था जी, तो बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कैसे उसकी ज्योमेट्री है, क्या है जी, कैसी उसकी ज्योमेट्री है। यदि द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर होता है, बोला है यदि द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर होता है तो वस्तु अधिक संतुलन में होती है। बोला है कि देखिए आधार की ओर रहेगा द्रव्यमान केंद्र, तो क्या हो जाएगा जी, वो संतुलन में रहेगा। इसीलिए क्या होता है जो साइकिल चलाते हैं उसमें भी क्या होता है, बोलिए ट्रक पर ओवरलोडिंग करना माना है, ओवरलोडिंग करने से क्या होता है जी, उसका जो ओवरलोडिंग करने से क्या होता है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना क्या होता है, बाहर में चला जाता है, जिससे क्या होता है उलटना की संभावना बढ़ जाती है जी। बात की जाए बूढ़ी और व्यक्ति झुक जाता है, देखिए बूढ़े व्यक्ति क्या होता है जी आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है, क्योंकि वो अपना क्या करता है बैलेंस करता है, सेंटर ऑफ मास क्या करना चाहता है, वो अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ लाना चाहता है जी, अपने जो शरीर का सेंटर होता है वहां पे लाना चाहता है, दोनों पैरों के बीच लाना चाहता है, इसलिए उसको आगे झुकना पड़ता है जी। सीढ़ी पर चलता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि आगे की ओर झुकेगा तो क्या हो जाएगा उसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, उसके दोनों पैरों के बीच में आ जाएगा। पर्वत पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसीलिए झुकता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, दोनों पैरों के बीच आ जाएगा जी। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में क्यों है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास क्या है जी, उसके ज्योमेट्री के अंदर है। वाहन चालक मोड़ पर आधार की ओर झुक जाता है, वाहन चालक बोल रहा है मोड़, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई साइकिल जा रहा है तो यहाँ पर अगर मोड़ है तो क्या होता है जी, आदमी साइकिल ऐसे थोड़ा टेढ़ा झुक जाता है, तो क्या होता है चालक मोड़ क्या होता है आधार की ओर झुक जाता है, क्यों होता है, तो अपना क्या करता है सेंटर ऑफ मास क्या करता है जी, अपने बैलेंस पॉइंट पे लाना चाहता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हमने क्या पढ़ा जी, लीवर पढ़ा हमने, बहुत अच्छे से लीवर पढ़ा। चलिए जी अब बात करते हैं, तो हम लोग चलेंगे अभी सिंपल मशीन की तरफ। सिंपल मशीन में ही आपको हम फ्रिक्शन भी टॉपिक कवर करेंगे, और उसके बाद इसमें आपको पुली वगैरह पढ़ेंगे, घिरनी जो बोलते हैं आप हिंदी में, तो उसके बाद ही थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड टेम्परेचर की तरफ चलेंगे। चलिए जी, तो